अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। बच्चों, आपको पता है ज़िलहज का महीना आखिरी महीना होता है साल का, और ये महीना हुरमत वाला महीना भी होता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुरमत वाले महीने की फजीलत और उसमें क्या करने के काम है और क्या नहीं करने के काम है वो हमें बता कर गए हैं। बच्चों, इस महीने हमें झगड़ा नहीं करना, किसी जंग में शिरकत नहीं करना, और इन महीनों में हमें गुनाहों से बहुत 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 ज़्यादा बचना है। बच्चों, आपको पता है हुरमत वाले चार महीने होते हैं। पूरे साल में चार ऐसे महीने हैं जो हुरमत वाले महीने हैं, और उन महीनों को हमें याद कर लेना चाहिए और उन महीनों में अपनी इबादत और अपने नेकी के काम ज़्यादा से ज़्यादा करने चाहिए, और हमें झगड़ों में लड़ाइयों से दूर रहना चाहिए। वो महीने कौन से हैं? ज़ुल्क़ादा, ज़ुल्हज, मुहर्रम और रजब। ये चार महीने ऐसे हैं जो हुरमत वाले महीने कहलाते हैं। और अरब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले भी वो लोग इस महीने की हुरमत को जानते थे, और वो लोग भी इन महीनों में लड़ाई और गलत कामों से बचने की कोशिश करते थे। ज़िलहज का जो महीना होता है वो महीना इस्लाम का जो फिफ्थ रुकन है ना, जो फिफ्थ पिलर ऑफ इस्लाम है वो इसमें अदा किया जाता है। फिफ्थ पिलर ऑफ इस्लाम क्या है? फर्स्ट इज़ शहादा, सेकेंड इज़ सलाह, थर्ड इज़ ज़कात, फोर्थ इज़ फास्टिंग एंड फिफ्थ इज़ हज। तो इस महीने में हज अदा किया जाता है ना। हज को हम बाकी दिनों में अदा नहीं कर सकते, जिस तरह शहादा हम हर वक्त पढ़ सकते हैं, जितना चाहे पढ़ सकते हैं। नमाज भी हम दिन में 5 वक्त तो फ़र्ज है, और बाकी जो नफिल नमाजें हैं वो हम कितनी भी पढ़ें ये हमारे ऊपर है, और कभी भी पढ़ें। ज़कात हम पूरे साल में कभी भी दे सकते हैं, फिक्स टाइम नहीं है। फास्टिंग भी आप जितना रोज़ा रखना चाहे रखें, नहीं तो रमज़ान में तो अल्लाह ने फ़र्ज़ किया ही हुआ है। लेकिन हज हम सिर्फ़ ज़िलहज के महीने में अदा कर सकते हैं, और उसकी फ़िक्स तारीख, उसकी फ़िक्स डेट पे अदा कर सकते हैं। बच्चों, हज का जो मीनिंग होता है, इसका मतलब होता है कि इरादा करना, टू डिसाइड समथिंग, है ना। इरादा करना सफ़र का, अल्लाह के घर का, या फिर एक इरादा करना कि मुझे अब कहीं जाना है, समथिंग लाइक दैट। तो बच्चों, हज का जब हाजी इरादा करता है तो वो अपने सारी चीज़ें जो उसको करने होते हैं अपने सफ़र के लिए, उसकी तैयारी में लग जाता है। और जब वो हज के लिए निकलता है तो सबसे पहले, प्यारे बच्चों, वो एहराम पहनता है। आप लोगों को पता है एहराम क्या होता है? एहराम दो चादरों को कहा जाता है, और वो हाजी का ड्रेस कोड होता है। हाजी वो ड्रेस कोड से बाहर नहीं निकलता जब वो हज में होता है। उसको वो ड्रेस कोड को बहुत ध्यान से, उसकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोग बड़े होते जाएंगे इंशाल्लाह आपको पता चलेगी, वो उस चीज़ को फॉलो करना होता है। तो जब हाजी एहराम पहनता है, और एहराम पहनने के बाद से ही वो शुरू कर देता है अल्लाह की जो कलमात है, जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने काबा बनाते वक्त, है ना, अल्लाह से दुआ करी थी कि अल्लाह इस घर में, इस शहर में लोगों को आबाद कर। अल्लाह ताला ने पूरी उम्मत पर ये फ़र्ज़ कर दिया कि वो अपनी ज़िंदगी में एक बार हज तो करे ही करे। तो एहराम पहनकर हाजी क्या कहने लगता है? लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, है ना। उसका मीनिंग होता है ओ अल्लाह हियर आई एम, है ना। तो वो हाजी के
मुंह में वही कलमात होते हैं, बस वो वही बोलता जाता है, वो दुनिया की हर चीज़ भूल जाता है, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से ये कहता रहता है, अल्लाह मैं आ रहा हूँ, है ना, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। और फिर अच्छा, ये सारी जो टीचिंग है, ये सारी टीचिंग्स किसने सिखाई है हमको? हमें हमारे बेस्ट टीचर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई है, राइट चिल्ड्रन? उन्होंने हमें बताया है हज का तरीका क्या है, हज का मंथ कौन सा होगा, हज की डेट्स कौन सी होगी, कौन से चांद की तारीख में आप हज अदा कर सकते हैं और किस तरीके से अदा कर सकते हैं। ये सारी जो तालीमात हैं हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नतों से, उनकी हदीसों से, उनकी टीचिंग से हमें पता चलती है। तो हाजी जब एहराम पहनकर लब्बैक कहता हुआ अल्लाह के घर की तरफ, मक्का की तरफ जाता है, और जब वो मक्का शरीफ में पहुंचता है, मक्का आपको पता होगा इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम ने बनाया था, उसका तवाफ़ करता है, और वो तवाफ़ करने के बाद वो जमज़म का पानी पीते हैं। और जमज़म का पानी, आप लोगों को वो स्टोरी भी पता होगी, जमज़म का पानी की जो स्टोरी है, जिसमें इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने छोटे से बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को डेजर्ट में उनकी माँ के साथ, बीबी हाजरा के साथ, अल्लाह के हुक्म पर वहाँ छोड़कर चले जाते हैं, और बीबी हाजरा परेशान हो जाती हैं कुछ दिनों बाद, क्योंकि उनके पास ना पानी रहता है, ना खाने के लिए सामान रहता है, ना ही वहाँ कोई आबादी होती है, तो बहुत परेशान हो जाती हैं। तो बीबी हाजरा वो परेशानी की हालत में इस पहाड़ी से उस पहाड़ी, एक सफ़ा पहाड़ी से मरवा पहाड़ी पर दौड़ लगाती हैं, 7 राउंड्स लगाती हैं। फिर अल्लाह ताला ने वहाँ पर जमज़म का चश्मा फोड़ा, जमज़म का पानी निकले ज़मीन में से, तो वो जमज़म की स्टोरी है बच्चों। तो अल्लाह ताला ने वो जो सफ़ा मरवा पे हाजी तवाफ़ करने के बाद जमज़म पीता है, फिर वो सफ़ा मरवा पे जाके जिस तरह से बीवी हाजरा इस पहाड़ी से उस पहाड़ी गई थी, वो वाला जो एक्शन था वो अल्लाह को इतना पसंद आया था कि बंदी मुझसे मांग रही है और बंदी मेरे लिए इस तरह से, अपने बच्चे के लिए इस तरह से तड़प रही है, तो वो अल्लाह को इतनी पसंद आई अदा, अल्लाह ने कहा ये हज के अरकान में डाल दो, जो भी हाजी आएगा उसको ये वाले एक्शंस ज़रूर करने हैं, राइट चिल्ड्रन? तो ये जो सारी टीचिंग्स है वो हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई है, लेकिन ये हम किसकी यादों को ताज़ा करते हैं? इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम और बीबी हाजरा, ये उन्होंने जो जो किया काबा के शहर को बसाने में, उस शहर को आबाद करने में, उन्होंने सेक्रीफाइज़ किए, वही सेक्रीफाइस अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए आप सल्लम की उम्मत को हुक्म दे रहे हैं कि हज के दौरान आप लोग भी ये करें। फिर उसके बाद सफ़ा मरवा के बाद हाजी जाता है मीना पे, मीना एक जगह है जो वहाँ पर हाजी वहाँ पर रहता है। फिर उसके बाद नाइन्थ ऑफ जुलहज को हाजी अरफात के मैदान जाता है और वहाँ जाके अल्लाह से रो रो के दुआएँ मांगता है, खूब माफ़ी मांगता है, और उस दिन अल्लाह ताला उनको इस तरह से माफ़ कर देता है जैसे कि वो न्यू बॉर्न बेबी हो जाते हैं, मतलब उनके एक भी गुनाह नहीं रहते। फिर उसके बाद मुदलफा में जाते हैं और फिर वहाँ से वो लोग कंकरी मारते हैं। कंकरी किसको मारते हैं? शैतान को। आपको पता है बच्चों, ये जो शैतान को कंकरी मारना है, ये भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की और इस्माइल अलैहिस्सलाम की स्टोरी में आता है। जब अल्लाह का हुक्म आया इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कि जाओ अपने बेटे की कुर्बानी दो, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ज़रा भी इधर उधर नहीं सोचा और उन्होंने सिर्फ अल्लाह का वो जो हुक्म था उसको पूरा करने के लिए अपने बेटे को लेके चल दिए। और उनका बेटा भी ये नहीं बोला कि अब्बा आप ऐसे कैसे मुझे कुर्बान करेंगे, आप मुझे सिर्फ अल्लाह के हुक्म के लिए कुर्बान करेंगे। वो भी बहुत नेक थे, वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ पहाड़ पे जाने लगे, और जब जा रहे थे तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को शैतान ने भड़काया। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम नेक इंसान थे, बहुत ज़्यादा अल्लाह से मोहब्बत करने वाले थे, उनको समझ में आ गया ये शैतान है जो मुझे भड़का रहा है, मुझे कह रहा है कि नहीं तू क्या गलत काम करने जा रहे हो। तो उन्होंने उस जगह पर शैतान को पत्थर मारा था। और इसी तरह उनके पूरे सफ़र में 3 मरतबा ऐसा हुआ कि शैतान ने उनको भड़काया। तो उस तरह से जब हाजी मुदलफा से आता है, तो आज भी
जो भी हज करने जाता है वो वहाँ पर 3 पिलर्स बने हुए हैं उस जगह पर, वहाँ पर कंकरी मारते हैं। फिर उसके बाद हाजी क्या करता है, कुर्बानी करता है और फिर वो अपने सरों को मुंडवाता है। तो ये पूरा हज का प्रोसीजर है बच्चों, और ये हज के दिन है जो दुल्हज्जा के 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, इन 5 दिनों में किए जाते हैं। पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्या तालीम दी है, आइए देखते हैं। बुखारी शरीफ की हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कोई दिन ऐसा नहीं जिसमें नेक अमाल अल्लाह को इन 10 दिनों के अमल से ज़्यादा पसंद हो। इतनी बड़ी बात है ना बच्चों, मतलब साल के कोई भी दिन अल्लाह को नहीं पसंद जो इन 10 दिनों को, मतलब जुलहज्जा की 1 तारीख से लेके 10 तारीख तक के जो अमाल है जिसने जैसे किए वो सबसे ज़्यादा अल्लाह को पसंद है। और फिर सहाबा कराम ने अल्लाह के रसूल से पूछा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या अल्लाह की राह में जिहाद भी नहीं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ अल्लाह की राह में जिहाद भी नहीं। तो सोचो कितने इम्पॉर्टेंट डेज़ हैं ये 10 डेज़ जिसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बता रहे हैं कि ये 10 दिन अल्लाह को इतने ज़्यादा पसंद है जो साल में कोई भी दिन नहीं पसंद। मतलब रमज़ान में हमें इबादत करनी है लेकिन रातों की इबादत है, पर ये 10 दिन अल्लाह को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो हम और आप बेटा हज पे तो नहीं जा रहे, लेकिन हमें कोशिश क्या करनी है, इन 10 दिनों में अपनी इबादतें, अपनी फ़र्ज़ नमाज़ों को वक्त पे अदा करना, अपनी तिलावत, कुरान की तिलावत, ज़्यादा से ज़्यादा नेक काम करना, अच्छे काम करना, सदका करना और तौबा करना, और कोशिश करें रोज़ा रखें। जैसे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और हदीस में फरमाया, सही मुस्लिम की हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये इन दिनों का 1st to 9th जिलहज तक रोज़ा रखना, इन दिनों का रोज़ा रखने से गुज़रे हुए साल और आने वाले साल के गुनाहों का कफ़ारा अदा करना है, यानी कि 2 साल के गुनाहों की माफ़ी है। कितनी बड़ी अहमियत है, सोचो कितना ज़्यादा अज्र है। और जो सहाबा लोग थे ना बेटा, वो तो इतना ज़्यादा तस्बीह, इतनी ज़्यादा दुआएं करते थे, अस्तग़फ़ार पढ़ते थे। इमाम बुखारी की जो एक रिवायत में है कि सैयदना इब्ने उमर रज़ी अल्लाह और अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह, ये दोनों इन 10 दिनों में जब भी बाज़ार में निकलते थे तो ज़ोर ज़ोर से तकबीर करते थे, तकबीर पढ़ते हुए जाते थे। तो जो बाज़ार में लोग होते थे जो सुनते थे, तो वो लोग भी उनकी तकबीर सुनकर तकबीर कहने लगते थे। प्यारे बच्चों, कितनी इस मंथ के जो 1st 10 डेज़ हैं इसका हमें कितना ध्यान रखना है और कितना इसके फ़ायदे हैं, है ना। इसमें हमें जितना हो सके तस्बीह करें, सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अस्तग़फ़ार पढ़ें, कितनी सारी है। और एक और मुस्नद अहमद की हदीस है, इब्ने उमर रज़ी अल्लाह वो क्या करते थे बच्चों, वो जब घर में खाना खाने बैठते थे तब भी तकबीर करते थे, जब खाना खा के उठते थे तब भी तकबीर करते थे, मतलब चलते फिरते तकबीर, हर वक्त तकबीर करते थे। तो हमें भी क्या करना है बच्चों, कि दिन भर अपनी फ़र्ज़ नमाज़ों को, अपनी सुन्नत नमाज़ों को, अपने कुरान की तिलावत, अपनी सारी तस्बीहात, इनको पाबंदी से ये 10 दिनों में करना है और अल्लाह से खूब खूब दुआ मांगनी है और खूब ज़्यादा तकबीर करनी है। तकबीर क्या है, चलो हम पढ़ते हैं एक बार, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। ये हमें ना दिन भर करनी है, ख़ास करके 9th, 10th, 11th, 12th और 13th, उन दिनों तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा करना है। और ईद के बाद भी जो 3 दिन रहते हैं 13th तक हमें इसको करना है। प्यारे बच्चों, जितना ज़्यादा इन 10 दिनों में हम अल्लाह के नज़दीक हो जाएंगे, अल्लाह के महबूब बंदे बन जाएंगे और बुराइयों से बचने की कोशिश करेंगे, इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें बहुत सारा सवाब देगा और अल्लाह ताला हमारे 2 साल के गुनाहों को माफ़ फरमाएगा ना। तो हमें कोशिश करनी है कि हम अपने अमाल को, अपने इन 10 दिनों को ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह के ज़िक्र में, अल्लाह की याद में,
فرض اور سنت اور نفل کاموں میں اور برے کاموں سے بچنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.